हम पार्टी का शिस्त का सिपाही है, हाईकमांड का निर्णय जो होता है वो हम उसको करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको यादगिरी डाला, हम यादगिरी में सेवा कर रहे हैं। पहले बिदर था, बिदर की सेवा करें, क्योंकि पार्टी के सिस्टम से पार्टी का जो एजेंडा आता है उसको हम फॉलो करते हैं। आपकी क्या इच्छा आया था? मैं अकेला नहीं, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में लोकल का निर्णय करके ऐसा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ, सभी के लिए डाला है, उसलिए मैं गया हूँ। फिर भी मैं बिदर के जनता के साथ में हूँ। मैं चाहे इंचार्ज यादगिर हो, लेकिन नेटिव जिला बिदर है मेरा। मैं औराद से बिलोंग करता हूँ, औराद मेरी मातृभूमि है, बिदर मेरी मातृभूमि है। बिदर के जनता को मेरी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, मेरे से जो होगा मैं 100% करूँगा। जिले में जो 5 तालुके 6 तालुके सर, 6 तालुके में एक औराद में एक ही बीजेपी आता बार बार, पूरे 6-5 खाने थे, फिर भी आपको यहाँ डेवलप करना छोड़ के पाए हाईकमांड ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया सर। नहीं, ये इशू अकेला बिदर जिले का नहीं है, ये इशू पूरा राज्य का है, पूरा 31 जिले का इशू है। इसीलिए इसमें हमारा इसमें कोई नहीं है, जो हाईकमांड का निर्णय, सीएम का निर्णय वो हम फॉलो कर रहे हैं। का कहना है सर, प्रभु चौहान जी आने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, अकेले जिले का नहीं है, जिला सीमित नहीं है, पूरा प्रदेश का निर्णय है, उसके साथ में मेरा भी हुआ है। मैं वापिस बोल रहा हूँ, मेरे बिदर के महाजनता को मेरे तरफ से जो भी है, मैं अभी भी इंचार्ज मिनिस्टर करके काम करता हूँ, जो भी है मैं करूँगा। नहीं, मैं तो बिदर छोड़ के नहीं गया हूँ। बिदर जिला मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिदर मेरा नेटिव है, बेरत बिदर, बिदर का धरती से मैं आता हूँ, बिदर में छोड़ा नहीं हूँ। लेकिन पार्टी में जो सिस्टम है, पार्टी में जो निर्णय लिया है, वो निर्णय सबके लिए है, प्रभु चौहान के लिए अकेले के नहीं है, ये निर्णय सभी को लागू है। अभी जो पंचकूले चालू रह रहे सर, पिछले बार कोरोना में हर एक हॉस्पिटल जाके विजिट करे, अभी ये प्रोग्राम अभी चालू हो रहा है सर, उसमें कोई भी भाग नहीं ले रहे। यानी मैं कल डीसी से बात किया हूँ, सीईओ के बात किया हूँ, सभी जगह से भी तालुकों में प्लस पूर्व होकर के बोला हूँ, प्रोग्राम हो रहा है, चल रहा है। मैं बोला ना, मैं अभी भी इंचार्ज समझ के ही काम करता हूँ, आपका कोई भी काम हो बिदर के महाजनता का मैं करूँगा। अभी बिदर का जो रोड है सर औरत का, वो बहुत ही अच्छा बन रहा है सर, तो कब तक कम्प्लीट हो जाएगा सर? जनता खुश भी है वो तो हम 2008 से हमारा प्रयास था, तभी 2009 में हमारी सरकार नहीं थी, 14 में सरकार आने के बाद मैं हो, हमारे एमपी साहब हो, प्रयत्न करने से रोड मंजूर हुई है। मैं गडकरी साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूँ, उन्होंने भारत माला में हमारा प्रोजेक्ट लिया है। काम एक्चुअल 1 साल पहले काम होना था, लेट हुआ है, काम हो रहा है। हम भी चीफ इंजीनियर से बात कर रहे हैं, काम क्वालिटी हो रहा है, काम जल्दी 1 साल के अंदर काम कम्प्लीट होगा, ऐसा आशा है सर। मार्च में कुछ इलेक्शन निकलने वाले हैं, और आज मैं औराद और कमानगर तालुके में 9 कोटी का भूमि पूजन किया हूँ, उसमें 60 फीट का हेमस्ट है, सोलर का हेमस्ट है, उसमें औराद में हॉस्टल का 2 कोटी का बिल्डिंग है, 2 कोटी 25 लाख का। उसके बाद में डोनगांव से तोरणा, वो हम रोड 1.5 कोटी का किया, ऐसा टोटल 9 कोटी का मैंने उद्घाटन किया है औराद और कमानगर तालुके में। कल भी मेरा उद्घाटन है, कल भी मेरा, जो लोगों की डिमांड होती है, जो लोगों की मांग होती है, मैं ग्राम संचार करता हूँ, और जो मांग होती है वो 1 साल के बाद लेके जाता हूँ और जाके पूजा करता हूँ, गांव में शिशु रोड हो, आंगनवाड़ी हो, स्कूल बिल्डिंग हो, सभी करता हूँ। आज मैंने 9 कोटी का भूमि पूजन किया है, कल भी करूँगा।